योगेश्वर संत श्री गुरु रामानंद जी महाराज की जय। योगेश्वर संत श्री गुरु शिव शरण जी महाराज की जय। आपने पूछा कि भागवत कथा में दूर दूर से लोग आए और यह कार्यक्रम कैसा आया। मैं उसके लिए इस कार्यक्रम को देख के कह सकता हूँ कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो बात सामने प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। श्रीमद् भागवत कथा ये मेरी सुंदरबनी में पहली कथा थी और जिसके पीछे मेरा लक्ष्य एक था, मैं अपने समाज के साथ रूबरू हूँ और समाज के साथ मिलकर आपसी बातों को बंटवारा करें, उसका आपसी बातों को मिल बांध कर एक दूसरे की बातों को समझें। और जिन संत योगेश्वर गुरु रामानंद जी महाराज को पूरा समाज घर घर में जानता था, लेकिन उसके बाद वो बातें उनके दिल में रह गई थी, मुझे खुशी इस बात की है कि इस कथा से संत योगेश्वर गुरु रामानंद जी महाराज और संत योगेश्वर गुरु शिव शरण जी महाराज जी की बारे में जो जानकारियाँ कम लोगों में थी, लेकिन इस कथा के माध्यम से लगता है कि जिस तरीके से एक व्यापक स्तर में भक्त लोग आए और जिस प्रकार से उन्होंने मुझे प्रेम दिया, ये यहाँ से मुझे एक ऐसा लगता है कि एक आशा की किरण सुंदरबनी से निकलेगी जो धर्म के मार्ग में चल करके अपने जीवन को सफल करेगी और अपना जीवन सुखी करेगी। कथा एक ऐसी कथा है जो कहते हैं घर घर में हर एक आदमी को उसकी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हमारे विचार से भागवत कथा जो है ये दूसरे चरण के बाद जब गृहस्थ आश्रम करने को जब बाणप्रस्थ पर जाता है आदमी, तो बाणप्रस्थ में इस कथा को सुनना चाहिए। माना है कि बच्चों की कोई गलती नहीं है, गलती हमारे बुजुर्गों की है। हमारे समाज में बुजुर्गों ने जब अपने बच्चों को सही दिशा दी नहीं है तो वो दोष के भागी नहीं है। दोष के भागी हमारे समाज के बड़े लोग हैं, घर के बुजुर्ग लोग हैं, जिन्होंने अपने बच्चों का ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगे रहे। ऐसा पीछे मैंने आपसे पहले कहा कि जो हमारा समाज है, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको धरोहर धर्म की थी, उन्होंने उस ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखा, अपने बच्चों में संस्कार नहीं दिए, जिसकी वजह से हमारे धर्म में वो विश्वास बच्चों में नहीं पैदा हो रहा। उसकी सारी जिम्मेवारी हमारी है और धर्म गुरुओं की है, शंकराचार्यों की है, जो इस समाज में धर्म की शिक्षा दे सकते थे। अगर वो प्रॉपर तरीके से शिक्षा दें तो हमारे समाज में धर्म की बड़ी व्यापक खेतक नौजवान पीढ़ी का सवाल है। नौजवान पीढ़ी को सबक देना बहुत कठिन काम है। हम सबक देना चाहते हैं 10 साल के बच्चे के लिए, 11 साल के बच्चे बच्चियों को, जिनकी उम्र छोटी है, जिनकी बुद्धि छोटी है, उनको कोई ज्ञान देंगे वो उस ज्ञान पर चलेंगे। जहाँ तक नवयुवक है यहाँ का, मैं यहाँ पर काफ़ी क्षेत्रों में भ्रमण किया, यहाँ का नवयुवक नशे के बीच में व्याप्त है। नशा इतना हमारे समाज में है जिससे उनका जीवन पूरा खराब हो रहा है। और आज हमें ज़रूरत है कि घर के माता पिता अपने बच्चों को निगरानी करें कि वो किसी प्रकार का नशा तो नहीं करते। अगर कंट्रोल में नहीं है तो बेशक सख्ती से व्यवहार करें ताकि उनका असर दूसरे नवयुवकों पर ना पड़े। हमारे समाज को मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ और एक मुझे एक आशा की किरण भी है कि हमारा समाज साधु संतों को मानने वाला, धर्म पर चलने वाला है और उनको सिर्फ एक दिशा देने की ज़रूरत है। जैसे राख के बीच में कोयला रख दीजिए, ऊपर से राख डाल दीजिए, उसके कहते हैं सुबह जब राख को हटाएंगे तो कोयला आपको जलता हुआ मिलेगा। हमें समाज से आशा ये करते हैं कि वो राख को हटाएं, ज्योति उनके अंदर है, सिर्फ थोड़ी सी कोशिश करने की ज़रूरत है। लाइट है, प्रकाश है, सब अंदर, और हम लोग भटक रहे हैं। मैं एक संक्षिप्त में बतलाऊँगा कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। कस्तूरी जो है वो हिरण की नाभि में रहती है, लेकिन हिरण जो है उसको जंगल में ढूंढता रहता है। ठीक इसी प्रकार हम जो हैं इधर उधर भटकते हैं, जबकि ज्ञान
हमारे हृदय में, भगवान हमारे अंदर है। हम भगवान अंदर तो देखते नहीं हैं, बाहर देखते हैं, इसलिए हम भटकते हैं। हम जिस दिन भगवान को, परमात्मा को अपने हृदय में देखेंगे, तो हृदय से उसको पहचानेंगे, तो आप यहाँ से बैठ के आपको हरिद्वार जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से अमरनाथ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान है। अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो आप कहीं चले जाओ, अशांति अशांति है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे समाज में वो किरण है, वो लाइट है, लेकिन हम उसको जागृत नहीं कर पा रहे। जागृत करनी चाहिए, हमारा समाज तरक्की करे, हमारे समाज का कल्याण हो और उनका भविष्य अच्छा। सुंदरबनी में जो कथा का आयोजन हुआ, इसके पीछे डॉक्टर नरेश जो लम्बेड़ी के हैं, चपराल में जो हैं हमारे रविंद्र शर्मा जो मास्टर मनोज जी के बेटे हैं, दुष्यंत जी, और कहते हैं इस प्रकार से कई लोगों ने इसकी बात करी हमारे से। हम लोग सुंदरबनी आए और यहाँ आते जब हमें अवकाश पात DFO साहब श्री नैनचंद जी ने हमें सहयोग की आश्वासन दिया, उस आश्वासन को देख के मैं उसी दिन समझ गया था कि ये भागवत कथा सुंदरबनी क्षेत्र के लिए एक इतिहास बनेगी। और हमारी कथा से अगर हमारा एक परिवार भी धर्म रास्ते पर सही चल गया तो हमारी भागवत कथा कामयाब होगी। और इसके पीछे सारा श्रेय मैं डॉक्टर नरेश जी, रविंद्र जी हृदय बोलते रविंद्र जी के साथ इस सुंदरबनी में हनुमान मंदिर के पदाधिकारियों के, राधा कृष्ण के पदाधिकारियों समेत कई व्यक्तियों के नाम ऐसे जो मैं नहीं जानता, उन सभी अच्छे धर्म प्रेमियों ने इतना मुझे सहयोग दिया, जिसका परिणाम आज मुझे समापन के अवसर पर देखने को मिला। और मैं इस समापन में जिस प्रकार की भारी संख्या में एक अनजान व्यक्ति के पास, जिसको कम जानते हैं, उनके संत साहब को सभी जानते हैं, यहाँ पर इतनी भीड़ देख के मैं बहुत गदगद हुआ और मुझे लगा कि हमें ऐसे कार्यक्रम हमेशा करने चाहिए, हमारे समाज में जागृति आनी चाहिए। तो कथा जो थी बहुत ही सफलतापूर्वक रही, काफ़ी जो लोग दूर दूर से आए, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, अपने विचार रखिए। लोगों में जागृति धर्म के प्रति है, ऐसे आयोजन से लोगों को अपने धर्म का ज्ञान, भक्ति का मार्ग मिलता है, इससे बहुत सी हमारी जो बुराइयां हैं जो ख़त्म होती हैं। तो इस युग में इंसान को अपने कष्टों के निवारण के लिए ही ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है वो कराई जाती है। हम धन्यवादी हैं गुरुजी महाराज के कि जिन्होंने देहरादून से आकर इस क्षेत्र में लोगों के लिए एक कथा का आयोजन किया। लोगों को बहुत ही आनंद आया। एक बड़े अच्छे विद्वान जो थे उत्तरांचल से, उत्तराखंड से, श्री धर्मेंद्र पोखरियाल जी, जिनके मुखारविंद से जहाँ कथा की गई, सभी भक्तों ने, हर एक वर्ग ने यहाँ शमूलियत की, बगैर किसी जात पात के लोगों ने इस कथा का पूरा आनंद उठाया। और वो आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी ऐसे आयोजन गुरु महाराज के द्वारा किए जाएंगे और इस भक्ति मार्ग का जो मार्गदर्शन हमें कराएंगे। धन्यवाद। अंकित जी, ऐसा है कि सबसे पहले ये मत भगवत कथा जो दंडानी के दुर्गा माता से स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद सुंदरबनी के लोगों में इतने जो प्यार जो संत साहब को खींच के सुंदरबनी में लाए, और राधा कृष्ण मंदिर सुंदरबनी के हाल में ये भगवत कथा जो आयोजन की गई, मैं कहता हूँ कि एक हिस्ट्री जो क्रिएट हुई है सुंदरबनी के अंदर, खास करके तमाम सुंदरबनी वर्ग के लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने तन मन धन से इसमें सहयोग किया और अपना वक्त निकाल के कथा को ग्रहण भी किया। खास करके मैं संत श्री इंद्रजीत जी महाराज का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो बम्बई से चल के एक छोटे से शहर जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी में आए और अपने वचन से लोगों को निहाल किया। मैं तमाम वर्ग के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम वर्ग के लोगों ने यहाँ हिस्सा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।